जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल करेंगे, इसलिए हमने प्रेशर कुकर में 1 टेबलस्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/2 किलो आलू लिए हैं और आलू को छीलकर हमने इस तरह के बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और ऐड करेंगे 250 ग्राम फूल गोभी। देखिए, आप यहाँ पर सब्जियाँ अपनी पसंद के हिसाब से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं। और 1 कप मटर ऐड कर देंगे। देखिए, आप यहाँ पर सब्जियों को बॉईल करते वक्त इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जब मसाला भुनेंगे तब टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर 1 कप पत्ता गोभी ली है, वो भी ऐड कर देंगे। और 1/2 कप हमने ली है बीट, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो स्किप कर दें। पहले हम तेल में सब्जियों को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर सब्जियों को फ्राई करने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर को लीड से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए सब्जियों को और बॉईल कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो पैन में 1 टेबलस्पून बटर और 1/4 कप तेल ऐड करके अच्छे से गरम कर लेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को हमने बारीक काट लिया है और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा सुनहरा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है। इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1 कप जितनी है। तो हाई फ्लेम पर इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ी क्रंची ना हो जाए। तो शिमला मिर्च थोड़ी क्रंची होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। हमने यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि पाव भाजी में थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आप टमाटर की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो सिर्फ 3 टमाटर ऐड कर लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप प्रेशर कुकर में सब्जियां बॉईल कर रहे हों तब भी इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर इस वक्त मसाला भूनते वक्त ऐड कर दें। तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई करने के बाद टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। इस स्टेज पर हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक इसे भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में हमने यहाँ पर ली है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला। तो आप किसी भी ब्रांड का 2 टीस्पून जितना पाव भाजी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को भूनते वक्त हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे और बीच में इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो मसालों को मैंने लो फ्लेम पर भूनने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सब्जियां भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे और लीड को खोल कर इसे एक बार चेक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमेशा से हमारी यही कोशिश रही है कि हम आपके साथ हर रेसिपी को बहुत ही आसानी से शेयर करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
और इन सब्जियों को हम पोटैटो मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरफ मसाले को भूनते हुए 10 मिनट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसका तेल भी सरफेस पर आने लगा है। तो एक बार इसे चला लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सेजवान चटनी। आप यहाँ पर सेजवान चटनी की जगह लहसुन और लाल मिर्च की चटनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर दें और लाल मिर्च पाउडर जब ऐड करेंगे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल करके मैश की हुई सब्जियां और इन मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पोटैटो मिक्सर से एक बार और मैश कर लेंगे। अगर आपको सब्जी थोड़ी खड़ी रखनी हो तो इसे थोड़ा कम मैश करें, या फिर आपको बिल्कुल सिल्की स्मूथ सब्जी चाहिए तो इसे अच्छे से स्टेज पर मैश कर लें। और अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे। जिसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सब्जी को पूरी तरह मैश नहीं किया। आप इसे सिल्की रखना चाहते हैं तो इसे थोड़ा अच्छे से मैश कर लीजिएगा। तो पानी ऐड करके मैंने इसे 5 मिनट तक और पका लिया है। एक बार इसे चला लेंगे और इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए हम यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना ऐड करना चाहें तो स्किप कर दें। और इस स्टेज पर कई बार सब्जी में नींबू का रस ऐड किया जाता है, लेकिन अगर आपने इसमें इस स्टेज पर नींबू का रस ऐड कर दिया तो सब्जी में नींबू का कड़वापन आ जाएगा। तो जब आप इसे सर्व कर रहे हो तभी इसमें नींबू का रस ऐड कीजिएगा। अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और मिला लेंगे इसे। और अब हम पाव भाजी के लिए पाव रोस्ट कर लेंगे। तो पाव रोस्ट करने के लिए किसी पैन में या फिर तवे में 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। आप यहाँ पर घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तेल ऐड कर लें। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पाव रख देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए पहले एक तरफ से रोस्ट करेंगे। इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी रोस्ट कर लेंगे। तो इसे रोस्ट करते वक्त आप घी, बटर या फिर तेल में थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बनी है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। और इसे सर्व करने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे और इसे हम परोसेंगे रोस्ट किए हुए पाव, प्याज और नींबू के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।